हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्राइव एक्सपो। तो ये है महिंद्रा XUV 3X होगा, AX5 वेरिएंट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। इंजन की बात करूं तो पेट्रोल है, टॉर्क कन्वर्टर इसमें आता है ऑटोमेटिक में। तो फटाफट फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। कलर की बात करें तो टैंगो रेड कलर है। अब इसके हेडलैम्प्स की बात करें तो ये इसके हेडलैम्प्स हैं जो आपको LED मिल जाते हैं। सिंगल प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स आपको X5 में नहीं मिलते, वो आपको X7 से मिलने शुरू होंगे। और अभी AX7 और AX7L और AX5L की वीडियोज़ भी 2-4 दिन के अंदर आने वाली हैं। तो मेक श्योर आप वीडियो उनकी देखें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। बाकी फ्रंट हेडलैम्प्स की बात करें तो ये आपके LED हेडलैम्प्स हैं जिसमें आपको लो बीम हाई बीम इसी में मिलेगी। ये इसके DRL हो गए, LED इंडिकेटर यहाँ तक वर्क करेगा इसी के अंदर, बाद में आपको ऑन करके भी दिखाऊंगा। बाकी इसकी सेंटर ग्रिल है पियानो ब्लैक फिनिश में विद क्रोम इंसर्ट्स। ये महिंद्रा का बटरफ्लाई लोगो। यहाँ पे आपको इसमें मिल जाती है एयर इनटेक की जगह रेडिएटर के लिए। यहाँ पे आपको मिलती है इसकी फ्रंट लाइसेंस प्लेट की प्लेसमेंट और ये होगी इसकी लोअर रेडिएटर की। यहाँ पे आपको मिल जाती है नीचे थोड़ी सी स्किड प्लेट पे सिल्वर फिनिश नीचे बिल्कुल। बाकी दूर से देखोगे तो आपको इतना आइडिया नहीं होगा। तो फ्रंट की तो बात हो गई, अब आ जाते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ। तो चारों के चारों डोर हैंडल्स आपको बॉडी कलर्ड मिलते हैं विद इंटीग्रेटेड LED इंडिकेटर्स। और ड्राइवर साइड आपको कीलेस एंट्री मिल जाती है, कीलेस रिक्वेस्ट बटन मिल जाता है क्योंकि इसमें कीलेस एंट्री आती है आपकी X5 वेरिएंट में। ओवर व्यूज आपके पियानो ब्लैक फिनिश में है और इन पे आपको इंटीग्रेटेड LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। और ओवर व्यूज आपके ब्लैक कलर के ही मिलेंगे आपको थ्रू आउट ऑल वेरियंट्स। और अलॉय व्हील्स की बात करें तो X5 में आपको अलॉय व्हील्स मिलने शुरू हो जाते हैं, चाहे पुराने वाले हैं पर इसमें मिल जाते हैं। और इनकी टायर साइज की बात करें तो ये 205/65/16। चारों के चारों इसमें आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाती हैं फ्रंट में भी और रेयर में भी। रूफ पे आपको इसमें रूफ रेल्स मिल जाती हैं। शार्प फिनिटीन आपको XUV 3X में अवेलेबल ही नहीं होता है। बाकी यहाँ पे आपको इसमें आपको सनरूफ भी मिल जाता है। ए पिलर आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिलेगा, बी पिलर ब्लैक आउट है आपको टेप से, और सी पिलर आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिल जाएगा। रेयर की बात करें तो रेयर में आपको स्पॉइलर भी मिल जाता है, AX5 वेरिएंट से ही मिलेगा आपको, इसके नीचे वाले वेरिएंट्स में किसी में भी नहीं मिलेगा। और इसके साथ आपको पियानो ब्लैक इंसर्ट्स भी मिल जाते हैं स्पॉइलर पे, यहाँ पे भी ऐसे ही आपको वहाँ तक जाएंगे। यहाँ पे आपको LED हाई माउंट स्टॉप लैंप है, रेयर डिफॉगर, रेयर वॉशर आपका यहाँ है और रेयर वाइपर। LED कनेक्टिंग टेल लैंप्स मिल जाते हैं आपको इसमें, जो इन्फिनिटी लैंप टेल लैंप्स बोल रही है कंपनी। और यहाँ पे आपको XUV 3X की बैजिंग मिल जाती है महिंद्रा के लोगों के साथ। टेलम्स की बात करें तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर में वर्क करेगा इसका DRL जब आप इंडिकेटर ऑन कर दोगे। यहाँ पे आपको ब्रेक लाइट, ये होगी आपकी रिवर्स, और उसके बाद आपके नीचे दो डमी रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं आपको इसमें। और रेयर बम्पर पर बात करें तो पेंटेड पार्ट तो खाली यही है दो तरफ, बाकी आधे से ज़्यादा पूरा आपका प्लास्टिक में यूज़ हुआ है। और यहाँ पे आपको दो डमी रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं बड़े बड़े, और आपके दो आपके रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं आपको इसमें, चार नहीं मिलते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इसकी रेयर लाइसेंस प्लेट की प्लेसमेंट और वाइट LEDs मिलेंगी, और रिवर्स के कैमरा की प्लेसमेंट आपको यहाँ मिल जाती है। इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, मैं आपको अंदर जाके दिखाऊंगा। बाकी यहाँ पे आपको मिल जाता है रिक्वेस्ट बटन, बूट में कुछ इस तरीके का आप लगेज लोड कर पाओगे। पार्शल ट्रे आपको किसी भी वेरियंट में मिलेगी नहीं। और बाकी स्पेयर टायर इसका डोनट वाला है 16 इंच का ही, लेकिन डोनट टायर है, बहुत पतला है, जबरदस्त सीट हो गई है। तो बाहर से तो हमने गाड़ी कवर कर लिया, अब आ जाते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। तो ड्राइवर साइड डोर की बात करते हैं तो ड्राइवर साइड डोर पे आपको सिल्वर डोर हैंडल्स मिल जाएंगे जो AX5 वेरिएंट से आने लग जाएंगे। यहाँ पे ट्विटर की प्लेसमेंट में 6 स्पीकर आपको मिल जाते हैं, 4 स्पीकर 2 ट्विटर, उनका सेट आपका 6 का बन जाता है। यहाँ आपके आपके सिल्वर डोर हैंडल्स हो गए। यहाँ पे पूरे पियानो ब्लैक फिनिश का आपको यूज़ मिल जाएगा। सारे आपके पावर विंडो से कंट्रोल और ऑरियन से कंट्रोल आपको यहाँ मिल जाते हैं। नीचे आपको दो बोल्ट होल्डर है थोड़ी सामान रखने की जगह, और यहाँ पे आपको इसका फ्यूज़ बॉक्स मिलता है जो इन्होंने निकाल रखा है। बाकी ऐसा कुछ आपको इसका इंटीरियर देखने को मिलता है। अब इंटीरियर में आए उससे पहले आपको चाबी और दिखा देते हैं। तो कुछ इस तरीके की इसकी चाबी है जो सेम ही होती जा रही है, पहले प्रीमियम आती थी काफ़ी, अब वो वाली नहीं है। बाकी अगर मैं एक लाइट इसके इंटीरियर की आपको थोड़ी लुक दिखाता हूँ मैं ऐसे दूर से या पीछे से दिखाते हैं। लाइट्स ऑन करके ना रात को इंटीरियर की लुक बहुत प्रीमियम आती है। तो
ऑटोमेटिक वेरिएंट है, मैनुअल की वीडियो तो मैंने पहले डाल दी थी, ऑटोमेटिक है तो इसमें क्या एक्स्ट्रा मिल जाता है वो है इसमें आपको हिल डिसेंट कंट्रोल और आइडल स्टार्ट सब तो चलो पहले आता था, बाकी इसमें टॉर्क कन्वर्टर आता है, पार्क रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव और प्लस माइनस आप स्पोर्ट्स वाला लगा सकते हो, शिफ्ट लॉक इसका यहाँ पे है। बाकी एक बार इसको ऑफ करते हैं, तो ये इसका स्टीयरिंग व्हील है जिसपे आपको इसके क्रूज कंट्रोल्स और आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो आपका डिजिटल वाला आ जाता है। लाइट्स ऑफ करनी है, तो ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इसके कंट्रोल्स आपको यहां मिल जाते हैं, जैसे मैं अभी इस बटन को प्रेस करूंगा अभी रुक जाओ अब आ जाओ, तो इस बटन को प्रेस करके आप इसके सारे फीचर्स का देख सकते हो कैसे कैसे आपने करना है, क्या चीज़ आपको चेंज करनी है आप यहाँ से कर पाओगे। और एक चीज़ जो इसमें बाकी ड्राइव इन्फो वगैरह तो आपको सबको है ही नॉर्मल, नेविगेशन इसमें आपको मिल जाती है, जैसे मैं ऑन करूँ ऊपर नेविगेशन, फिर इसको प्रेस करना है, ये नेविगेशन आपकी ऑन हो गई, और इसको लॉन्ग प्रेस रखूँगा तो मैं आपको नेविगेशन दिखाता, बीच में डिस्टर्ब करने आ गया था, अब इसका 2 मिनट तो यही चलता है। अरे भैया अब इसमें मेरे को ये वाला जो बटन है अगर मैं इसको लॉन्ग प्रेस रखूंगा तो ये फुल नेविगेशन पे आ जाएगा, अरे इसको क्या है, कुछ इस तरीके की इसकी फुल नेविगेशन चालू हो जाएगी, पर उसके लिए गाड़ी कनेक्टेड होनी चाहिए नेट से, सब कुछ आपका फोन वोन सब कनेक्ट होगा तो वो चलेगी, वरना इतनी जल्दी इसमें नहीं चलने वाली वो चीज़, तो आप जब डिलीवरी लोगे अपना फ़ोन वोन सब इस पर कनेक्ट करके फिर आप इसका यूज़ कर पाओगे। अभी इसको करते हैं बंद, बाकी इसके आप यहाँ से डिस्प्ले लेआउट भी चेंज कर सकते हो, वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, डिस्प्ले लेआउट प्रेस नॉर्मल है, इन्फॉर्मेटिव जैसे अभी आपको दिखाऊँ तो इस तरीके का हो जाएगा कुछ, इसमें आपके आरपीएम नहीं बताएगा गियर बताएगा बस। इसके बाद दोबारा उस पर जाऊँ मैं आपका डिस्प्ले लेआउट इन्फॉर्मेटिव आयो मिनिमल, तो मिनिमल में कुछ इस तरीके की आपको ये लुक देगा, ये से काफ़ी इजी लगता है मिनिमल, तो बाकी चलो यही 3 थे बाकी इसमें तो, और आपका अब इसके काफ़ी फीचर्स हैं वैसे तो, और बाकी यहाँ पे आपको इसके कंट्रोल्स मिल गए और क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन आपको यहीं मिल जाएगा, क्रूज़ कंट्रोल का ये वाला है, ये वाले इसके हैं, और बाकी यहाँ पे आपको इसके वॉइस कमांड और इसके म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स आपको यहाँ मिल जाते हैं, जिसमें आपको XUV 700 का इंटरफेस मिल जाता है जो इसी वेरिएंट से आता है, यहाँ पे आपको वाइपर्स कंट्रोल मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक वाइपर्स एंड ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आपको इस वेरिएंट में मिल जाते हैं। और यहाँ पे इंटरफेस की बात करें तो XUV 700 का मिल जाता है, एप्पल कारप्ले अभी कंपनी ने लॉन्च किया नहीं है, बाकी यहाँ पे इसके कंट्रोल्स, यहाँ पे आपके एसी वेंट्स विद सिल्वर फिनिश, पियानो ब्लैक फिनिश का आपको पूरा यूज़ मिल जाता है सेंटर कंसोल पे, यहाँ पे ऑटोमेटिक एसी कंट्रोल्स और ड्यूल जोन एसी भी आपको इसमें मिल जाता है AX5 वेरिएंट से, और यहाँ पे आपके ड्राइव मोड ट्रैक्शन कंट्रोल और आपके पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ का कंट्रोल वहाँ पे है, बाकी कंट्रोल्स आपके यहाँ हैं, नीचे आपके ड्यूल जोन एसी कंट्रोल हो गया, यहाँ पे आपको टाइप पे आपको यू चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है टाइप से, और यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर भी मिल जाता है जिस पे साफ लिखा है नो कॉइन और नो स्मार्ट की, स्मार्ट कॉइन की बैटरी ख़राब हो जाएगी, बाकी यहाँ पे गियर नॉब आ जाता है आपका ऑटोमेटिक, और यहाँ पे चाबी रखने की जगह 2 कप होल्डर्स, और इसके अंदर रबड़ फिनिश है, प्लास्टिक नहीं है, तो कोई भी खटखट की आवाज़ आपको आएगी नहीं, यहाँ हैंड ब्रेक, यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश, यहाँ पे आपको हैंड रेस्ट मिल जाता है विद लेदर, ये लेदर राइट है टॉप एंड वेरिएंट वाला और सॉफ्ट टच के साथ, सीट्स लेदर राइट नहीं थी, सीट्स आपकी ऐसी फैब्रिक में आती हैं। बाकी इसकी प्राइस भी आपको साथ साथ बताएं, तो ये आपका AX5 है ना, जैसे AX5 पेट्रोल ऑटोमेटिक, ये रहा इसका प्राइस 12 लाख, आपका 18,999, 12,19,000 आप समझ के चलो, और ऑन रोड ये आपका वैसे तो 14,12,000 है जिसमें 35,000 की इसमें एसेसरीज जुड़ी हैं, इसको आप माइनस कर लो तो प्राइस और कम हो जाएगा, बाकी इंश्योरेंस वगैरह का थोड़ा सा डिस्काउंट मिल ही जाता है डीलर पे, वो सब आप लगा के चलो तो ये 13,60-70 के आसपास आपको ऑन रोड मिल जाना चाहिए। AX5 ऑटोमेटिक पेट्रोल की मैं बात कर रहा हूँ, डीजल की नहीं, तो और यहाँ पे आएंगे ग्लव बॉक्स, इसमें आपको विदाउट लाइट और विदाउट और कोल्ड भी आपको ये नहीं मिलता है, यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है। रूफ पे बात करें तो ड्राइवर साइड आपको वेंटी मिरर नहीं मिलता है, पैसेंजर साइड आपको वेंटी मिरर मिल जाता है विद कवर एंड विद लैम्प, यहाँ पे भी आपको सनग्लास होल्डर
लाइट्स के कंट्रोल, सनरूफ के कंट्रोल, सिंगल पेन सनरूफ इसमें आ जाती है, बाकी लाइट्स ऑन कर देते हैं। तो रूफ़ की बात हो गई, फ्रंट से हमने आपको पूरी गाड़ी दिखा दी, अब चलते हैं रेयर सीट्स पे। और इसमें हाँ, आपको जो एक चीज़ और सबसे बड़ी मिल जाती है, एड्रेनोक्स और एलेक्सा की कनेक्टिविटी आपको इस वेरियंट से मिल जाती है, जो आपको नीचे वाले वेरियंट्स में नहीं मिलेगी। इससे आपकी वो स्टार्ट हो जाती है। अगर रेयर की बात करें तो रेयर में आपको हैंडरेस्ट मिल जाता है विद टू कप होल्डर्स, पांच आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं इस वेरिएंट से, और पांचों आपको एडजस्टेबल मिलते हैं। पार्ट सीटर तो मैंने आपको बताई दी, किसी वेरिएंट में नहीं मिलेगी। ये रेयर डोर है जहाँ पे आपको पैनो ब्लैक फिनिश के यूज़, पावर विंडो, ग्रैब हैंडल, सिल्वर फिनिश, नीचे आपको बोटल होल्डर, थोड़ी सामान रखने की जगह, मैगजीन होल्डर्स आपको दोनों सीट्स के पीछे मिल जाते हैं, रेयर एसी वेंट्स, टाइप सी फास्ट चार्जिंग पोर्ट, नीचे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट भी आपको इसमें मिल जाता है। रूफ पे आपको तीन रूफ हैंडल्स मिलते हैं फोल्ड वाले, और रेयर के जो दो हैं उन पे आपको ये हुक भी मिल जाता है। बाकी रेयर से आप इसकी डैशबोर्ड की लुक देख सकते हो। और एक चीज़ और है जो आपको मैनुअल में नहीं मिलती, ऑटोमेटिक में मिलती है, इसका डेड पेडल। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, आपको इसमें डेड पेडल मिल जाता है, और वो आपको मैनुअल में नहीं मिलेगा, ऑटोमेटिक में ही मिलेगा बस। तो ये थी महिंद्रा XUV 3XO का AX5 वेरिएंट, ऑटोमेटिक आपका DCT टॉप कन्वर्टर के साथ। वीडियो को इसलिए आप जरूर मुझसे बता सकते हो, और कोई डाउट रहेगा तो वो भी आप कमेंट से मेरे से पूछ सकते हो। डिलीवरी वगैरह इसकी जल्दी स्टार्ट होने वाली है, 26 ऑफिशियली डिलीवरी स्टार्ट होंगी, और 15 यानी कि कल से इसकी ऑफिशियली बुकिंग्स भी स्टार्ट हो जाएंगी। वैसे डीलर्स ले रहे हैं, कल से ऑफिशियली होंगे, तो जिन्होंने नहीं कराई वो कल जाके करवा सकते हैं, और 26 से डिलीवरी स्टार्ट है एज पर दी अवेलेबिलिटी। कैसे कैसे वेरिएंट स्टॉक किस डीलर पर खड़े हैं, कौन सा फ्री स्टॉक में क्या है, वो सब आपको आपका डीलर ही बता पाएगा। बाकी आप में से किसी को अगर गाड़ी लेनी हो और आप हरियाणा से हो या आसपास से हो, तो आप मेरे को DM इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। आपको महिंद्रा की और भी किसी कंपनी की गाड़ी लेनी हो तो आप मेरे को बता सकते हो, बेस्ट डील भी दिलवा दें, कोई बात नहीं, आयो। तो कोई भी आपको गाड़ी चाहिए मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर देना, अच्छे प्राइस पे आपको बेस्ट डील दिलवाएंगे। बाकी आज की वीडियो में इतना ही था, थैंक यू फॉर वॉचिंग।